प्रेजेंट करने के लिए ही मेड इट अ पॉइंट दैट आई शुड रिसीव इट। और सेकंड बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर वो भी फाल्के साहब के फोटो के साथ और उनके नाम के साथ, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई कैन एवर। थैंक यू सो मच। आपके बारे में एक पर्सनल सवाल स्टैचू के को लेकर के, सो ब्यूटीफुल है, आज आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस, क्योंकि जब इस फील्ड के बारे में समझ आया था, जब इस करियर में एक कदम रखा था, तब से सपना था कि मुझे अवार्ड लेना है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। पता नहीं था इतने साल इतनी लंबी जर्नी हो जाएगी, बट फाइनली हम साथ साथ थे। हाँ, बहुत ही खूबसूरत एक नई चीज़ कर रही हूँ जो इससे पहले कभी नहीं की थी, बट आई एम सॉरी नॉट अलाउड टू एक्सपोज एनीथिंग अबाउट द न्यू थिंग, बट आप लोगों से वैसे भी कुछ छुपता नहीं है, तो सून वी विल डिस्कस अबाउट दिस वेरी सून। थैंक यू, थैंक यू। दिस फील्स टू ऑब्नॉक्शियस, लाइक आई एम कीपिंग इट राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, साइड हो जाएगा। पहली बात आपको मुझे ये बताना होगा कि सम्मानित का मतलब क्या है। ऑनर, ऑनर किया गया, ओके, डेफिनेटली एक ऑनर है यार। मैं अंदर एक्चुअली यही कह रहा था कि अगर कोई भी पहले ये देखेगा मैंने कहाँ से शुरुआत की है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, मैं बहुत बहुत एमेच्योर, बहुत ही ज़्यादा बिगनर था, पोलाइटली कह रहा हूँ, अपने आप को बदनाम नहीं करूँगा सबके सामने, बट वेर आई स्टार्टेड और आज यहाँ मेरे को अवार्ड मिल रहे हैं, आप लोग सब खड़े मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सो इट्स डेफिनेटली एन ऑनर, फील्स वंडरफुल, फील्स वंडरफुल। बात करो अगर आपके गारंटी तो ये दे सकता हूँ आपको कि मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स रिलीज करूँगा, जहाँ पर मैं डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, अ कपल ऑफ अदर थिंग्स, सो वो आपको वादा करता हूँ वो आपको देखने को जल्दी मिलेगा। बीइंग एन एक्टर आपकी लाइफ में कोई भी अवार्ड, अवार्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? आई यूज टू लव अवार्ड्स बिफोर आई यूज टू विन देम। आप 5 साल पहले मुझसे पूछेंगे तो आई यूज टू लाइक नीड एन अवार्ड, नीड एन अवार्ड, बट जब मुझे अपने क्राफ्ट से मोहब्बत होने लगी, तभी कोई अवार्ड नहीं आया, बाय द वे जब मोहब्बत अवार्ड से होती थी कोई मोहब्बत कोई अवार्ड नहीं आया, देन आई स्टार्ट लविंग माई क्राफ्ट, हाउ एवर इट हैपेंड आई स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद एक्टिंग एंड आई फॉरगॉट द अवार्ड्स, एंड आज ये हो रहा है कि जब मुझे अवार्ड्स की इतनी कदर नहीं है, है ऑफ कोर्स फील्स वंडरफुल, बट जब इतनी कदर नहीं है तो दुनिया मुझे अवार्ड्स दे रही है। अगर स्कूल कॉलेज कहीं की भी बात करो, लाइफ का सबसे पहला अवार्ड कहाँ मिला था? I think running. I was an athlete in school. So medal, my first medal was ever, I got awarded for. There I didn't come first, silver mila tha mujhe. But theek hai, that was my first award. Lastly, friends, family, kya kuch message dena chahenge aap? Friends and family. To my family, to my brother, to my mother, I will say that I am blessed from the bottom of my heart. तहे दिल से इतना शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसा भाई मिला, a brother who's been like a rock for me, and a gorgeous mother, a beautiful mother, who's always supported me and she's always kept me grounded. So to my heart, to my family, I'm very thankful. And to my friends, I genuinely believe I've got the best friends in the world. Now I know हम लोग सब argue करते हैं, we all keep arguing, we say नहीं मेरे friends best हैं, trust me when I say this, guys, my friends are amazing. Like I have some of the coolest, nicest, most real friends in the world. Yeah, I can challenge anybody. So I love you guys, all my friends. I love you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Thank you. यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और मुझे ये मिला है फॉर फैशन इन्फ्लुएंसर। ऑब्वियसली एवरीवन नोज मैं पहले एक्टर ही हूँ, लेकिन मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो मुझे ये फैशन इन्फ्लुएंसर के लिए मिला है, और आई डेडिकेट दिस टू माई मॉम।
क्योंकि मैं बचपन से अपनी मॉम को देख रही हूँ और आज भी मैंने ये जो साड़ी पहनी है ये मैंने मेरी मॉम की साड़ी पहनी है. अखिलेश सिंह एंड पलाश दत्ता एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस बिग अवार्ड दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड एंड इट्स बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर एंड आई एम सो ग्लैड इट्स सो ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव लाइक मी. सी आई एम इन टू एक्टिंग ऑल्सो सो अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है सो विल गेट टू नो सून. इसके अलावा आई हैव डन मोर देन 25 सॉन्ग्स. इवन आई हैव 6 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम. अगर आप मुझे नहीं फॉलो करते तो फॉलो कीजिए. आई एम खुशबू खान नाम से डबल है ना लास्ट में एंड मेक मी मोर पॉपुलर. ऐसे ही आप प्यार देते रहिए मुझे फॉलो कीजिए और आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ इस अवार्ड को लेने आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू. ये माइक भी चक्कर खा के गिर गया एंड सो थैंक यू सो मच फॉर योर दिस मच लव. ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए. धन्यवाद. चलो बाय. Yes, finally. दोस्त ढेर सारी बधाई आज आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. थैंक यू सो मच. बिग अवार्ड फॉर एवरी मैन. या इट्स एन अचीवमेंट. क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी ज्यादा खुशी है बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अखिलेश जी एंड पलाश फॉर हैविंग मी हियर एंड या इट्स एन अचीवमेंट. दादा साहेब फाल्के एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में तो वो अवार्ड मिलना ऑब्वियसली एक अचीवमेंट है एंड मॉम की ब्लेसिंग्स है तो इतना प्यार लोगों को मिल रहा है. पापा का प्यार इतना प्यार लोगों का मिल रहा है तो अगर फैमिली का सपोर्ट होता है भले वो दूर से प्यार मोहब्बत फोन पे ही दे देते हैं तो बहुत आगे आप बढ़ते रहते हो. थैंक यू सो मच. या एंड आपके तोहफा सॉन्ग पर इतनी ज़्यादा रील बनी इतना ज़्यादा प्यार मिला कि आए दिन आपको तोहफे में तोहफे मिल रहे हैं क्या कुछ बताना चाहिए? ये उसी का तोहफा है बेसिकली. तो तोहफा गाने को प्यार देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया गाइस सबको मैं बोल रहा हूँ. सबका प्यार मिल रहा है तभी तोहफा ट्रेंड कर रहा है. रील्स पे काफ़ी ट्रेंडिंग पे है एंड अभी रील्स बनती जा रही है और बनती जा रही है बढ़ता जा रहा है तो उसी का फल मुझे मिला. बीइंग अ सिंगर एक सिंगर के लिए माइक माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. माइक भी है कैमरा भी है और माहौल भी है. इश्क मुझे करना है करने दो मरने का है मन तुम पे मरने दो. इश्क मुझे करना है करने दो मरने का है मन तुम पे मरने दो. बातें जो करती हो इशारों में लगती हो कितनी प्यारी. बताने आए हैं दरवाजे खोल दो ना तुम दिल के ओ सनम. तेरे लिए तोहफे में हम दिल लाए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम एज एन एक्टर बोलो या एज एन रिपोर्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको सामने देखकर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ कहना चाहिए? आपको सारा प्यार आपको मिला है ना आज आप इस अवार्ड फंक्शन में आए हैं क्या बताना चाहिए? बस शुक्रगुजार हूँ अपने भगवान की और फैंस की इतना सारा प्यार देने के लिए और
थोड़ी सी नशा दूँ बट बहुत ज़्यादा खुश हूँ. थैंक यू. रीटा रिपोर्टर तो अब नज़र नहीं आने वाली है बट प्रिया नज़र आएंगी आपको बहुत ही जल्द. इनफैक्ट कल हमारा म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो रहा है तो प्लीज़ उसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा. मैं जेनिफर और पारस हैं उस म्यूज़िक वीडियो में. गणपति बप्पा का गाना है और इससे अच्छा ओकेशन क्या हो सकता है कि बप्पा आने वाले और हमारा गाना भी आ रहा है. अगर बप्पा की बात की तो मुंबई बोले तो बप्पा की जान है और क्या कुछ बधाइयां देंगे आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को इस बार इस गणेश चतुर्थी पर? बस यही चाहूँगी कि इस गणेश चतुर्थी पर हर एक व्यक्ति जो चाहता है दिल से चाहता है उसे वो मिल जाए क्योंकि जब नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है. थैंक यू गाइस. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. First of all, sir, you look so handsome and dashing. Thank you so much. The camera's on. I can't see the camera's on. I can't see the red lights. Huh? Why can't I see the red lights? Only. First of all, sir, sorry. No worries, no worries. So, first of all, sir, aaj aapko ye award diya gaya hai. Jana chahta hu aapse. Sorry, once again, sorry. सबसे पहला अवार्ड अगर इंडस्ट्री की बात करूँ तो 5 साल पहले मेरी शॉर्ट फिल्म आई एम फाइन और थैंक्स मॉम को सॉरी आई एम फाइन एंड साइलेंट आइज को आई एम फाइन में थे अनंत महादेवन सर और साइलेंट आइज में मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था एज एन एक्टर एज अ बेस्ट शॉर्ट फिल्म एज अ बेस्ट LGBTQ फिल्म बेस्ट एडिटर बेस्ट एक्ट्रेस इनोका शाहने को. तो करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो हाँ 5 साल पहले बट स्कूल कॉलेज में बहुत अवार्ड्स मिले डांस में एलोक्यूशन में ड्रामेटिक्स में या अवार्ड एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक्टर की लाइफ में क्योंकि हम एक्टर्स भूखे होते हैं एप्रिसिएशन के लिए और अगर एप्रिसिएशन अवार्ड के अवार्ड की तरफ हमें पेश किया जाता है और जब हम शेल्फ में देखते हैं सुबह उठकर और वो जो एक प्राइड महसूस होता है उससे बढ़कर और कुछ चीज़ नहीं है एक एक्टर के लिए क्योंकि आर्टिस्ट के लिए एक एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है. तो अवार्ड इज़ डेफिनेटली बट काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं अवार्ड्स आर अ शैम अवार्ड्स आर बॉट एंड दिस एंड दैट आई थिंक दैट्स ऑल फेक. एवरीबडी वॉन्ट्स एन अवार्ड एंड एवरीबडी डिजर्व्स एन अवार्ड. ऑफकोर्स इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ लक एंड चांस एंड टाइम कि कुछ लोगों को अवार्ड मिलते हैं कुछ लोगों को अवार्ड बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेरे करियर में जिन्होंने अच्छा काम किया है पर उनको अभी तक अवार्ड नहीं मिला है. तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ लक आई फील एंड टैलेंट ऑफ कोर्स. सॉरी. हाँ तो मैंने हाल फिलहाल एक वेब शो किया है रणदीपुरा के साथ कॉल्ड इंस्पेक्टर अविनाश जो जियो सिनेमाज में रिलीज हुआ है फर्स्ट सीजन सेकेंड सीजन अक्टूबर में रिलीज़ होगा. और एक कर रहा हूँ शो स्टॉपर जिसमें है सौरभ राज जैन श्वेता तिवारी आकांक्षा पुरी जीनत अमान जी अमिता नांगिया जरीना वहाब तो उसमें मेरा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सारे 8 एपिसोड्स में और कैरेक्टर का नाम है बॉब. दैट शुड रिलीज आई थिंक इन नवंबर अगेन ऑन जियो सिनेमाज होपफुली. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. हेलो 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 हेलो. ठीक हूँ गाइस. आप कैसे हो? थैंक यू. डेफिनेटली बहुत बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है. मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मुझे बुलाया गया है और मुझे ये अवार्ड दे रहे हैं. थैंक यू सो मच अखिलेश जी के लिए कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा इस अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए. थैंक यू सो मच. मैं आभारी हूँ कि इस अवार्ड ये ट्रॉफी मुझे मिली. आई एम सो हैप्पी. मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बस शुरुआत है. अभी तो मंजिल और रास्ता ये तो बहुत बाकी है अभी
और ही इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट. उन्होंने बहुत कठिन वक्त बहुत छोटी एज में देख लिया है और नहीं सो यू नो बहुत कठिन वक्त उन्होंने देखा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त जा चुका है और अभी राइजिंग स्टार. सो यू नो अब जो टाइम है वो सिर्फ आगे देखने का है. तो मुझे ऐसा लगता है कि माई गुड विशेज इज ऑलवेज देयर विद हिम और मेनी मोर टू कम. ये तो बस एक शुरुआत है. हम न्यूज क्रैक करते रहे और आप लोगों को हर बार कुछ ना कुछ नया देते रहे. पर इतना जरूर बोलूंगा, इन्होंने मुझे रोका है पर भी बोलूंगा, देयर इज लॉट मेनी थिंग्स आर कमिंग एंड ऑल बिग बिग थिंग्स. बताऊंगा, बस जरूर बताऊंगा. किशन तेरे से बहुत डर है मुझे यार. तुझे देख के मैंने बोला भाई कुछ मत बता देना. वो पहले ही चला देंगे ब्रेकिंग और ये हो रहा है. ओके, काफी लुक अच्छा लग रहा है, आप काफी अच्छे लग रहे हैं. या कुछ अगर आप बता सके आपके डिजाइनर के बारे में तो बताइए, कौन से डिजाइनर से आप ले रहे हैं, कुछ अगर आप बता सके. थैंक यू सो मच. अब तो इंस्टा में डाल के टैग करने वाला हूँ, पूरा बायो डालूंगा डिजाइनर का, प्लीज इसको देखे. थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच. बहुत मेहनत से बनाते हैं डिजाइनर्स कपड़े. सर के बारे में क्या कहना चाहिए, सर आपके साथ हमेशा से खड़े रहते हैं. आपके लिए सर हैं, मेरे लिए भाई हैं, मेरे लिए जो मेरा एक सगा भाई नहीं है, मैं एक ही लड़का हूँ मेरे माँ बाप के लिए. एंड ही इज माई रियल ब्रदर, जो जिसको मैं एल्डर ब्रदर बोलूँगा, जो तकलीफ में साथ में खड़ता है ना उसको भाई. बहुत थैंक यू सो मच भाई, सबके सामने मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ के टाइम में, मेरी जंग जब स्टार्ट हुई थी, आप ही हो जो मेरे साथ खड़े हो. थैंक यू सो मच भाई फॉर स्टैंडिंग बाई मी. आपका सपोर्ट रहे मेरे 100%. एक कहावत मैंने सुना था कि एक होता है जो आपको ऊपर वाली की तरफ से भाई मिलता है और एक होता है जो आप चूज़ करते हो. मैंने अपनी लाइफ में एक पहला भाई चूज़ किया, वो भी इतना अच्छा, और इतना मुझे खुशी हो रही है कि मैं दुआ करता हूँ कि हम दोनों का साथ जिंदगी भर रहे और हर जंग हम जीतते रहे. एंड थैंक यू दादा साहब फाल्के फॉर दिस रिस्पेक्ट एंड फॉर दिस अवार्ड. गाइज थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मैं इस मुकाम पे आज खड़ा हूँ. थैंक यू सो मच सच का साथ देने के लिए. मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, सच का साथ दीजिए. बहुत सारी चीज़ें हैं आगे में, अभी जो भी हमारा चल रहा है उसके लेके हम बाद में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं. बट आपका सपोर्ट जो मुझे मिला है उसके लिए मैं इधर खड़ा हूँ, वरना मैं कहाँ रहता मुझे खुद को नहीं पता है. थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, आपको रिग्रेट नहीं होगा फॉर सपोर्टिंग सच सत्य के लिए. थैंक यू, जय महाराष्ट्र. ना ही बदले तो अच्छा होगा. देखिए सच का साथ देना है तो आगे आइए, सच का साथ दीजिए. अगर आपको सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किसी का साथ देना है तो बहुत गलत होता है. पब्लिसिटी के लिए आप किसी का साथ नहीं दे सकते, बिकॉज हाँ चीज़ें दूसरी है तो अलग बात होती है, बट जब बहुत गलत चीज़ें आपके साथ होती है, इट इज़ नॉट गुड यू कम एंड डू समथिंग वेरी बैड विद देम. थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इट्स ऑल अबाउट बिलीव एंड हार्ड वर्क. व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर एज ए कास्टिंग पर्सन, आई स्टार्टेड विद बेफिक्रे विद रणवीर सिंह ओनली. और अभी जो मैंने लेटेस्ट फिल्म की है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, रणवीर सिंह के साथ, करण जौहर डायरेक्टर थे इस फिल्म के, बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. बहुत ही प्यारी फिल्म है और इट्स ऑल अबाउट लगे रहो, मतलब जहां आपका बिलीव है और जिस फील्ड में आप हो मेहनत करो, लगे रहो. एज एन एक्टर अभी मैंने शुरुआत की है, काफ़ी कमर्शियल्स किए हैं मैंने एज एन एक्टर भी, और अभी मैंने स्टार्ट किया है एक राम जी के भजन से जो बहुत ही प्यारा भजन है, और बस बहुत जल्दी मैं भी आने वाला हूँ. जी सो मैसेज यही है कि आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं, बस अच्छा काम करो, साफ सुथरा काम करो और लगे रहो और बहुत 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 हार्ड वर्क करो. जब तक आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलते जाए, हार्ड वर्क करते जाओ और जब मिले तो उसके बाद और ज़्यादा करो ताकि और आगे बढ़ो. थैंक यू
सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई एम अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, माई नेम इज सविता शर्मा, मैं पलवल हरियाणा से आई हूँ। तो आज मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, इस काबिल समझा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट आगे भी हम ऐसे ही अचीवमेंट हमें मिलते रहे, तो थैंक यू सो मच। देखिए, हमें यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इम्प्रेस हुई यहाँ पे आके, बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब हमें मान सम्मान दिया है यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू भैया, सामने से लेना प्लीज। सॉरी आप, यस मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको आज सम्मानित किया गया? यस, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अखिलेश जी को बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया। एक्चुअली मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहले मिल चुका है, आज मैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आई हूँ। उन्होंने मुझे अंदर फेलिसिटेट किया, मेरा मान सम्मान किया। अखिलेश जी से मैं बहुत पहले मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, और वो जो काम कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये दादा साहेब फाल्के एक ऐसा अवार्ड है जिसके लिए लोग आज यहाँ पे दूर दूर से आए हैं। ऐसे मैं भी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं खुद भी शो करती हूँ और मेरे अपकमिंग काफ़ी शोज आ रहे हैं, तो होप मैं आप सबको वहाँ पर इन्वाइट करूँगी। उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मुझे यहाँ दादा साहब फाल्के अवार्ड में सम्मानित किया गया है, मैं आज बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मुझे जो मिला है। थैंक यू सो मच, मुझे इसके लिए इनवाइट किया गया। मैं फ्रेंड से ये कहना चाहूँगी कि मुझे जो ये अवार्ड मिला है ये बहुत ही एक सम्मानित अवार्ड है। बहुत अच्छा लगा, हमें इतनी दूर से आए, बहुत सम्मान मिला है, और इस अवार्ड के लिए हमने बहुत सोचा था, फर्स्ट बार मिला है हमें, और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे गीता मैम लेकर आई थी, गीता मैम के लिए थैंक यू, उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पर आ पाए, आगे भी आएंगे अगर बुलाया जाए। थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, बिकॉज ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एंड वी ऑल नो दैट दादा साहेब वॉज सच अ लेजेंड, एंड रिसीविंग एन अवार्ड फॉर अ वर्क दैट आई हैव डन इन दिस इंडस्ट्री फॉर माई शो दैट वॉज वन ऑफ लॉन्गेस्ट रनिंग एंड द मोस्ट वायरल शो विद जी, सो आई एम सो प्राउड एंड ऑनर टू रिसीव दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। डेफिनेटली मॉम डैड कम हियर, सो दैट इज साइड, यू गो दैट साइड, सो माय पेरेंट्स आर द रीज़न दैट आई एम स्टैंडिंग हियर। उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में पूरा सपोर्ट किया, एंड बोथ ऑफ देम आर वाइस चांसलर्स एजुकेशनिस्ट, अपनी फील्ड में सबसे माहिर हैं, फिर भी उन्होंने मुझे एक्टिंग करियर में आने दिया, दैट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स फॉर एनी पेरेंट्स टू डू, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल के फॉर दिस अवार्ड माई बोथ पेरेंट्स केम डाउन, फ्लू फ्रॉम डेली टू सी मी अचीव दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। यू ओनली लिव वंस, अलाउ द चिल्ड्रन टू लिव, इट्स नॉट इजी, शी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम NIT, BTech सिविल इंजीनियर फ्रॉम गवर्नमेंट, but she wanted to be an actress, we allowed. Let the children live, let the life live, give this marvelous thing to do. Don't force anything to children, they have a right to live, this is a soul and journey of a soul. Mom, so something we are proud, yeah. And we are thankful to the press for giving us support to her. Thank you. I'm grateful for this Dada Sai Phalke Award to Akhilesh ji, that her name is chosen. फॉर बेटा हमसे ना हो पाएगा एवर हाईएस्ट व्यूड, इट क्रॉस 90 million ऑन Z5 ऐप, शी इज थ्रू आउट टॉपर एंड क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर फ्रॉम NIT सूरत, बट शी वॉन्टेड टू लिव हर पैशन, शी इज़ हियर इन द फिल्म इंडस्ट्री, शी हैज़ डन 2-3 फिल्म ऑल्सो, एंड एवरी डे शी इज़ ग्रोइंग। ऐसा क्यों, यू कैन वॉच ऑन MX प्लेयर, यू कैन वॉच हर लिसन टू दिल गुजराती फिल्म, दैट इज़ ऑन शिमारो गुजराती, and so many upcoming songs and everything is coming, she's doing great,
and living her passion. Thank you very much. Thank you so much, guys. Yeah. Thank you for having me. We appreciate the press for supporting her. Thank you. Yes. I never gonna forget you for this. चलो यस रेडी या मैम सबसे पहले बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन इतना बड़ा अवार्ड मिला है आप लोगों को सच अ प्रेस्टीजियस अवार्ड मिलना क्या कहना चाहोगे इतने बड़े इस पर It's been an honor for both of us. Like, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड is not a small award. ये नाम अपने ही में बहुत बड़ी इतिहास रचा हुआ है तो ये अवार्ड मिलना is a very big thing for us because क्या होता है ना जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता मिलेगी नहीं तो आप मेहनत करते जाओ फल आपको महादेव देंगे तो उसी चीज़ का हमें फल मिल गया है यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग जो भी सालों साल मेहनत करते हैं एट द एंड हमें क्या चाहिए उसका रिजल्ट भी क्या चाहिए कि लोग हमें अप्रिशिएट करें तो ये जो अप्रिशिएशन मिली है दादा साहब फाल्के ये बहुत बड़ी बात है और थैंक यू अखिलेश जी थैंक यू दादा साहब फाल्के कि हमें सम्मानित किया बेस्ट प्रोडक्शन हाउस अवार्ड और जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी हमारे सुम्बुल टॉकी और उसमें तो सब लोग थे ही आप लोग और अभी नेक्स्ट जो शिफ्ट के साथ भी गाने का प्लान है सारी चीज़ें हैं तब भी आप हम चाहेंगे कि आप सब आए वहाँ पे और अच्छा लगेगा हम सबको अगर हम बात करें सॉन्ग की काफी गेट हुआ सॉन्ग लोगों ने बहुत पसंद किया क्या कहना चाहोगे मतलब इतना प्यार मिला फर्स्ट सॉन्ग मतलब हुआ है इतना प्यार मिला कि एक महीने से वो ट्रेंडिंग में चल रहा है सोचिए और ऑर्गेनिकली हमारा 2 मिलियन प्लस व्यूज उसमें आ गए ऑर्गेनिकली क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी गाना आप लॉन्च करते हो तो उसमें मार्केटिंग होता है प्रमोशन होता है एंड विदाउट प्रमोशन विदाउट मार्केटिंग दैट सॉन्ग डजंट गिव यू दैट वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट करते हो बट आप बिलीव नहीं करोगे ये गाने को लेकर हमने कोई प्रमोशन नहीं किया कुछ भी नहीं किया ऑर्गेनिकली 2 मिलियन प्लस हमारे ऑर्गेनिकली व्यूज आए और अभी तक टिल डेट इट्स गोइंग ऑन ट्रेंडिंग मतलब एक महीने से ट्रेंडिंग में तो इससे अच्छा और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अभी भी डेली व्यूज जब हम प्रमोशन करने लग गए तो फिर तो सबका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि सुम्बुल तो अकीर है उसमें यस मैं नहीं मैं आई एम अ प्रोड्यूसर आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई एम एंटरप्रेन्योर बिजनेस वूमन आई एम नॉट इनटू एक्टिंग एट ऑल मैं एक्टिंग करवाती हूँ नहीं मैं एक गाना करूँगी जिसमें मैं अपने फादर और मदर को मैं डेडिकेट करूँगी बिकॉज जो भी मैं कर रही हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से कर रही हूँ तो उनको एक डेडिकेट करूँगी जिसमें थोड़ा बहुत मेरा रहेगा बाकी इनका एक गाना आ रहा है जो कि महादेव के ऊपर ही है जिसमें ये खुद फीचर कर रहे हैं एंड शंकर जी का अवतार लेंगे पूरा वही केदारनाथ में शूट है उसका और उसमें 200 के पब्लिक है जो उसमें आघोरी आप बोलते जिन आघोरी वो पूरे उसमें अभी बता दो बेबी बट इट्स अ वेरी अमेजिंग नहीं शूट अभी होना है अभी गाना कंप्लीट हो गया है शूट करने के लिए बहुत अच्छा गाया है और अभी कैलाश के जी के साथ भी ये गाने का प्लान है शिव के साथ प्लान हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक कर रहे हैं और रवीरा है हमारे साथ आर्टिस्ट अभी रवीरा आप आओ बिल्कुल रवीरा के साथ भी अभी प्लान हो रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली गाना बनाया गया है अब लेट्स सी कब हम लोग लॉन्च करते हैं क्या करते हैं आप लोगों को सब पता चलेगा रवीरा कैसा लगा आपको अपने गाने के बारे में थोड़ा बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग तो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह एंड थैंक यू सो मच फॉर लिफ्टिंग मी जैसे स्टार मेकर्स हैं देयर एक्चुअली स्टार मेकर्स जो सॉन्ग है जो वो आएगा हिट तो छोड़ो वो सुपर हिट होने वाला है आप सबको वो कितना अच्छा क्योंकि रवीरा ने ना सुन रखा है गाना मैंने वो गाना सुन रखा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपनी चलाना देखिए मुश्किल तो कुछ चीज़ नहीं होता कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है आपके अंदर हार्ड वर्किंग कहते हैं ना आपके अंदर मेहनत है जज्बा है तो आप कुछ भी चीज़ आप कर सकते हो नथिंग इज इम्पॉसिबल में भी लिखा हुआ है कि आई एम पॉसिबल तो आप बताइए
चलिए। और रहा बात मेरे लिए, आई एम अ बिजनेस वूमन, कट्टर बिजनेस वूमन, मैं पैसा से पैसा बनाती हूँ। बॉस आई एम स्टूडेंट टू दैट बॉस लेडी आर बॉस लेडी वेलकम थैंक यू थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। सब स्टार इधर आ रहे हैं। मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है, मैं कोशिश कर रही हूँ मराठी बोलना रहती। मी अमरावती विद्यापीठाची विद्यार्थिनी आहे, याही वयामध्ये शिकते मी मराठीमध्ये, म्युझिकमध्ये आणि काउन्सिलिंग सायकोथेरपी, तसेच योगामध्ये चार विषयामध्ये एम ए केलं। ड्रेस डिझायनर आय टी आय पण झालेली आहे आणि संगीत विशारद पण आहे। आणि सिंगिंगचा मी 35 वर्षापासून गाण्याचा छंद जोपासते, म्हणजे सिंगिंग करती हूँ और मॉडेलिंगही करती हूँ। तसेच थायलंड में जाके आई हूँ, दुबई में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और क्वीन ऑफ इंडिया, फेस ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, सब हीरो के हाथ से मुझे प्राइस मिला है, विनर हो चुकी हूँ। तो गिनीज तो मैंने चार सब है करके मैंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है, ये मेरे मुझे खुशी है। मैं अमरावती में एक मैं पहली है हो गई और मुझे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल गया, क्योंकि जिसने शुरुआत की दादा साहब ने वो मुझे मिल गया। मुझे ऐसा इतना है नहीं था कि वह मुझे मिलेगा है। और अमरावती से मैं मुंबई से रहने के लिए आई हूँ, थाने में रहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो गई कि पहला गिफ्ट मुझे आने के बाद पहला ये मिल गया, और सिंगिंग के लिए कुछ मिल गया तो गाने का। और दिल्ली वालों की भी मैं सब ये करती कोशिश करती, मुझे तो आज विश्वास नहीं बढ़ रहा है कि मैं एक न्यूज़ चैनल पे आई थी। थैंक यू गाइस। सिमरन से सुनिए, मैं बोलूँगा तो लगेगा कि अपनी छोटी मुंह बड़ी बात, ऐसा हो रहा है। सिमरन से ही सुनिए, सिमरन क्या कुछ कहना चाहेंगे आज, कैसा खास करके मंदाकिनी जी अपने बीच में रहे तो कैसा फील कर रहे हैं, और लीजेंडरी, और इतना हम लोगों ने रिएक्शन देखा लोगों का कि लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, ट्रॉफी उनके साथ लोगों ने लिया, तो बड़ी खुशी महसूस हुई। आपको क्या लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि अखिलेश सिंह सर, मैं सबसे पहले बधाई आपको देना चाहूँगी। इतना खूबसूरत सा आपका ब्यूटीफुल दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स 2023, ये सुपर डुपर हिट था ऑफकोर्स बिकॉज हमारे चीफ गेस्ट थे मंदाकिनी जी, और सभी जो आ रहे हैं अपने अपने फ्रेम से, अपने अपने तरफ से, सुन साहिबा सुन, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई प्रेजेंट कर रहा है उन्हें तोहफा, तो उन्हें भी इतना मज़ा आया। और जो हमारे सेलिब्रिटीज़ थे उन सब ने, उनके इतने सारे अनवील्स हुए, और पहली बार ऐसा किताब हमने अनवील किया जो हमारे फॉरएवर लेजेंड पे हैं लता मंगेशकर जी, जो आरजे अनिरुद्ध का किताब है। अगेन मंदाकिनी जी का जो गाना है सुन साहिबा सुन, उसमें इतना मज़ा आया। और सबसे बेहतर बात यह है कि मंदाकिनी जी इतना वक्त कहाँ पर नहीं देते, और इतने प्यार से वो सभी को अवार्ड दे रहे थे, फोटो सेशंस कर रहे हैं, तो ये बहुत बेमिसाल रहा। What a spectacular, magnificent show! Congratulations to Achilles Singh! Thank you. मेरे ख्याल से ये मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन शो था अब तक, जितना भी शो मैंने किया है उसमें एक ये भी कड़ी जुड़ी, लेकिन बेहतरीन कड़ी जुड़ी। और ख़ास करके मैंने रिक्वेस्ट की थी मंदाकिनी जी से कि आधे घंटे के लिए आप आइए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे 2.5 से 3 घंटे मंदाकिनी जी स्टेज पे खड़ी रही, तो मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी थे, अदनान थे, इकबाल अदनान खान थे, और तमाम बहुत बहुत सारे सेलिब्रिटी थे जिनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ। सो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से ऐसे ही अगले शो में, अगले सीज़न में फिर से मुलाकात होगी हमारी आपकी। थैंक यू सो मच। और हैंडसम भी हो रहे हैं। और एक सब आपको बात बताना चाहूंगी, इन्होंने भोजपुरी फिल्म में ठुमका भी दिया है, इन्होंने भोजपुरी फिल्म भी की है, मुझे पता नहीं था। हाँ, और ठुमका भी करते हैं प्लीज मुझे गाना दीजिए। श्योर, जितना जल्दी, हम लोग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। किशोर फिल्म हमारे बाजू में खड़ी है, किशोर फिल्म हमारे लिए एक गाना नजर आइए ज्वाइन करिए।
और सर आप बोले हम चाह रहे हैं कि एक गाना ये लोग तैयार कर रहे हैं हमारे लिए जो सिमरन के ऊपर पिक्चराइज होगा और उसको पिक्चराइज मैं करूंगा एज ए कोरियोग्राफर, तो ये मेरा वादा रहा। और अक्षत है बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर लगते हैं, हो सकता है कि सिमरन के साथ अच्छा, वही मेरे पार्टनर बनोगे प्लीज। ये पार्टनर बन चुके, रिजर्व हो चुके हूं मैं पूरी तरह। अरे वीडियो में जान टेंपरेरी वो तो रील सो विश ऑल के लिए तो कभी भी मैं रेडी हूं। रियल और रील का मैं मतलब मैं आपको बाद में बताती हूँ। जी विश्व मतलब थैंक यू सो मच। संतोष जी कुछ पूछ रहे थे, बोले मैंने कहा कितनी फिल्में आप किए हैं मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं अब तक आपको बता दूं 200 फिल्में मेरी है, कुले नंबर वन, रानी नंबर वन, हसीना मान जाएगी, जोरू का गुलाम, लज्जा, घातक, जिद्दी, जुड़वा, तिड़ुआ, जितने जुड़वा के सीजन है, खिलाड़ी के जितने सीजन है, सब मैंने की है एज ए असिस्टेंट कोरियोग्राफर। गणेश जी मेरे गुरु हैं, उनके साथ मैं तकरीबन 15 से 16 साल उनके साथ काम किया। आज भी कहीं पे भी मिलते हैं तो बोलते हैं ये जो रिपोर्टर है ये मेरा असिस्टेंट हुआ करता था, आज भी बोलते हैं जहीं पे मिलते हैं कहीं तो पे भी। मैम के साथ कोई मैम का नया नया एल्बम आते रहते तो कोई उनके लिए आप कोरियोग्राफ करने वाले आने वाले दिनों करेंगे बहुत कुछ बड़ा धमाका हम लोग करने वाले हैं, बहुत जल्दी ही आप लोगों को सब बता दिया जाएगा, जरूर बुलाएंगे। थैंक यू।